अरुण भानोट को कहा के देंगे, मोदी के देंगे। मोदी तो बीजेपी के है ना, कांग्रेस का। मोदी के देंगे जो हम लोग को पैर। अब ये तो अपन कह नहीं सकते, वो तो ऐसा है कि अब वो उनकी किस्मत है। सबको बनके मिल गए, जे मिले तसियत में कंप्लेंट करो, कुछ भी करो नहीं। हाँ, बोले हम लोग अतिक्रमण वाले सब बोलते हैं, बोले वो साहब चार बार रह चुके तो अब उनको थोड़ी जिताएंगे। वो तो सांसद रहे। हाँ, सांसद की बात, विधायक का चुनाव, विधायक का चुनाव उल्टा उल्टा नहीं हो रहा है। यहाँ अपने पश्चिम विधानसभा में भानोट की लहर दिख रही है, जो जीतेगा भानोट साथ जीतेगा। नमस्कार, मैं शिवम कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं द खबरदार न्यूज में। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में सबसे चर्चित सीटों में से एक पश्चिमी जबलपुर की। चर्चित इसलिए क्योंकि यहां से बीजेपी ने जिसे अपना प्रत्याशी घोषित किया है वो लगातार जबलपुर के चार बार सांसद रह चुके हैं और वो चुनाव लड़ेंगे पश्चिमी जबलपुर के लगातार दो बार विधायक रहे कांग्रेस के मंत्री तरुण भनोट से। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी पसंद कौन है। काकी, किसको वोट दोगे अपनी बार? किसको वोट दोगे अपनी? कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस को? और का कांग्रेस को क्यों? किसको कांग्रेस में किसको दोगे? तरुण भनोट को। तरुण भनोट को? तरुण भानोट को कहा के देंगे, मोदी के देंगे। मोदी तो बीजेपी के है ना, कांग्रेस के कहा? मोदी के देंगे जो हम लोग को पेंशन दे रहा है। अरे तो मोदी कांग्रेस के थोड़ी है, मोदी तो बीजेपी है। तो कोई भी रहे तो बीजेपी को देंगे। मोदी के देंगे। मोदी को देंगे। आप किसे वोट करेंगे? मोदी में। मोदी में करेंगे। यहाँ से लोकल प्रत्याशी को किसे वोट करेंगे? मोदी में करेंगे। बीजेपी को ही करेंगे? अरे हम क्यों बोलेंगे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि किसको वोट करेंगे। तो इस बार आपका क्या लगता है कि राकेश जीत सिंह जी जीत पाएंगे चुनाव? जीतेंगे। वो तो बीजेपी से हैं। क्या लगता है, जीत जाएंगे? जीत जाएगा। क्या लगता है भैया? जीत जाएगा। जीत जाएंगे। हाँ। तरुण भनोट जी हार जाएंगे? हाँ हार जाएगा। पिछले साल कहाँ हारे तरुण? नहीं पिछले साल कहाँ हारे? तब पिछले साल तो जीते थे तरुण भनोट। नहीं जीते थे, पिछले बार से जीते थे, उन्हीं की सीट है यहाँ पे। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? वसीम। वसीम भाई, किसको वोट करेंगे आपकी बार? कांग्रेस को। कांग्रेस में किसको? तरुण भानोट को। तरुण भानोट को। हाँ। काम किया तरुण भानोट ने? कांग्रेस ही है ना, कट्टर कांग्रेस है। कट्टर कांग्रेस। अरे वाह, तो कांग्रेस कुछ ना करे। क्यों, ऐसा क्या कांग्रेस ने कर दिया कि कट्टर कांग्रेसी हो गए आप? अरे क्या करोगे? अरे यही तो जानने आए हैं ना। जैसा कि आप, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तब भी कांग्रेस को ही वोट देंगे? कांग्रेस को देते। अरे वाह, जैसा कि अभी चार बार के सांसद रह चुके हैं यहाँ के राकेश सिंह जी और उनको इस बार कांग्रेस के खिलाफ उतारा गया है तरुण भनोट जी के खिलाफ, तो क्या लगता है जीत पाएंगे? अब वो या ऊपर वाला जानता है। अरे ऊपर वाला जनता जानेगी, जनता ही चुनाव करती है। अब वो ही तो जनता जानेगी किसको कितने वोट मिल रहे हैं। अरे तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आपका क्या? हम तो कांग्रेस को जितवाएंगे यार। पक्का? पक्का। काम किया है कांग्रेस ने यहाँ पे? काम कुछ भी नहीं किया हो फिर। लेकिन आप कट्टर समर्थकवादी हैं कांग्रेस? कांग्रेस से कट्टर है। चाचा राम राम, क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद कुशवाहा। अच्छा जी, यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में किसको कौन मात दे पाएगा? वो यहाँ से तो तरुण भनोट ही आएंगे। तरुण भनोट आएंगे? बिल्कुल आएंगे, कांग्रेस ही। काम किया है तरुण भनोट? बिल्कुल काम किया है, ये तो लोकल प्रत्याशी हैं और राकेश सिंह बाहरी प्रत्याशी है। और कल के लिए ढूंढने कहाँ जाएंगे अपन राकेश सिंह को? भनोट जी को तो कम से कम यहीं मिल तो जाते हैं कम से कम, और जब भी जाओ तो कम से कम सुन लेते हैं। राकेश सिंह संसद रहते हुए भी उनके पास जाओ तो बात नहीं करते थे ढंग से। हालांकि वो चार बार के सांसद रह चुके हैं यहाँ के। क्या होता है, काम भी तो होना चाहिए। इनने मोदी लहर में लहराए हैं, बाकी काम इनने किया कहाँ है? मोदी की उससे चले हैं वो। देखिए क्या कारण रहा कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो तरुण भनोट को जीत मिली, लेकिन जब वही 2018 में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राकेश सांसद जी को जिता देते हैं? क्या नहीं, वो राकेश सिंह अपने व्यक्तिगत उससे नहीं जीतते हैं, वो तो मोदी के उससे जीते हैं। मोदी ने काम किया है केंद्र में, मोदी की लहर में। बिल्कुल मोदी की उसमें जीते हैं उनने। इस बार का क्या रुझान है जनता? यहाँ से तो वही जनता बदलाव चाहती है। नहीं, यहाँ से तो भनोट जी ही रहेंगे। नहीं तो लगातार अपने राज्य में बीजेपी की सरकार? नहीं, बीजेपी तो घोषणाओं की सरकार है। घोषणाओं की सरकार है, काम की का। नहीं, तो इस बार क्या लगता है इस बार कौन जीतता है? इस बार परिवर्तन होगा, वैसे बदलाव होगा। बिल्कुल होना चाहिए। क्या चाहते? होना भी चाहिए वैसे। जनता क्या चाहती? अब जनता क्या, अब हमारे कहने से नहीं। अब तो कांग्रेस ही लग रहे हैं।
नहीं नहीं, हम तो कांग्रेसी भी नहीं है और बीजेपी भी नहीं है। अच्छा, बदलाव चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, इससे क्या होता है, विकास होता है। बस एक ही सरकार नहीं होनी चाहिए, बदलाव होते रहना। तरुण भनोट जी का कार्यकाल कैसा रहा? बिल्कुल अच्छा रहा। पिछले दो वर्ष से उठी यहाँ पे सरकार है, वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं पिछले साल भी, तो नहीं उनका कार्यकाल ये अच्छा रहा, इसलिए कि जब भी कोई जाए, कोई समस्या जाए, सुनते तो है। अच्छा। मिलते तो है, क्योंकि संसद जी के पास जाओ तो मिलते भी नहीं है। सामाजिक उठन बैठन अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? निहारी लाल गुप्ता। निहारी लाल जी, तो क्या लगता है इस बार चाचा किसे वोट देंगे आपकी बार, तरुण भनोट या सांसद राकेश सिंह को? अपन तो तरुण भनोट पे पुराने हैं, हमेशा उन्हीं को याद करते हैं। अच्छा। अपने हमारे बीच के हैं। अच्छा। हाँ, तो कांग्रेस ही क्यों पसंद है आपकी, कांग्रेस पसंद है या तरुण भनोट पसंद है? क्या है, हमें तरुण भनोट इतने अच्छे लगते हैं। अच्छा। हमारी बात जब कुछ उनके पास जाता हूँ ना, बिल्कुल स्वीकार करते हैं, हमारे लिए हाजिर रहते हैं वो। तो मौजूदा सरकार जो है बीजेपी की, उससे खुश नहीं है क्या? अरे बीजेपी वाले मेरी बात सुनते नहीं है, उनके पास मेरी थोड़ी सी बात हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मौजूदा सरकार है अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की, तो उससे खुश है कि ना खुश है? अरे हमने कोई तकलीफ नहीं है, बस ये है कि हमारे लिए तरुण भनोट अच्छे हैं। तरुण भनोट, हमें तरुण भनोट से मतलब है, पार्टी से मतलब नहीं है। पार्टी, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है, नहीं मतलब है। हमें तरुण भनोट अच्छे लगते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। आपको व्यक्ति से मतलब? व्यक्ति से मतलब। अच्छा अच्छा, इस बार तरुण भनोट को जिता देंगे पक्का? उम्मीद तो है कि आएंगे वही। अच्छा हाँ, ठीक है। इस बार किसे वोट देंगे? है? किसे वोट देंगे इस बार? तरुण भनोट, कांग्रेस। कांग्रेस को? कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? क्योंकि वो विकास करता है यहाँ का काम। बदलाव चाहिए है ना? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बीजेपी काम नहीं करेगी क्या? बीजेपी भी काम करती है, और फिर ऐसा है कि अब अपन ने शुरू से इन्हीं को दिया है वोट। अच्छा, शुरू से आपने उन्हीं को दिया है? पिछली बार उन्हीं को दिया था। हाँ। तो बीजेपी को क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं आप? बीजेपी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब शुरू से अब अपने घर में भी सभी को ही देते हैं वोट। अच्छा, जैसा कि अभी हाल ही में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो बीजेपी ने सांसद को उतारा है, चार बार के सांसद रहे राकेश सिंह जी को उतारा है तरुण भनोट के विरोध में, तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस बार? अब ये तो अपन कह नहीं सकते, वो तो ऐसा है कि अब उनकी किस्मत है कहाँ ले जाए, अपन तो ऐसा है वोट देने वाले हैं, अब दे दिए वोट। नहीं तो आप कांग्रेस को ही वोट देंगे? कांग्रेस ही को देंगे वोट, बीजेपी को नहीं देंगे? अब ऐसा तो देखो अभी कुछ पक्का नहीं बता सकते, जब अपन बूथ में जाएंगे तो जिसमें अपनी इच्छा हो गई उसमें दे दिए, उसमें कहा वोट अपनी, लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगी, जाएगी तो बस दो पार्टी में या फिर कांग्रेस को या भाजपा। तरुण भनोट ने काम किया है? अब यहाँ तो अपन रहते नहीं, यहाँ तो है नहीं, अपन अपना महाराणा प्रताप वार्ड लगता है धनमंत्री नगर, वोट तो तरुण भनोट को ही देते ना आप? हाँ। तो काम किया उन्होंने? किया है कि नहीं ये तो नहीं पता। तो इस एरिया में क्या लगता है आपको, काम किया उन्होंने? नहीं अपन को नहीं। आपके एरिया में काम किया जहाँ आपके? हाँ, उस साइड काम किया है ना। हाँ, मतलब आना जाना बना रहता है? हाँ, बना रहता है। सामाजिक कार्यक्रम में आते हैं? अच्छा। हाँ, कर रहे। तो फिर इस बार क्या है, कांग्रेस या बीजेपी? बदलाव चाहिए या वही सरकार चाहिए? वही सरकार चाहिए यार, वही सरकार चाहिए। बीजेपी चाहिए इसके मतलब? नहीं, वोट उसकी है, सरकार उनकी है, काम उनका चल रहा है, लेकिन अपने यहाँ से वोट उन्हीं को जाती है। तरुण भनोट को जाएगा, राकेश सिंह को नहीं जाएगा? जाती है। अब भाई अब निर्णय दिमाग के ऊपर है, अब जो ना आगे सामने उसी को दे देंगे यार, जो अच्छा काम करेगा। इनसे बात करते हैं। राम राम चाचा। राम राम। कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा चुनाव? आप पार्टी? आप पार्टी? आम आदमी पार्टी, पार्टी। कांग्रेस और बीजेपी सफाया? सफाया खत्म। अच्छा, इस बार उनको वोट नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, यहाँ से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं तरुण भनोट, और फिलहाल चार बार के सांसद रह चुके हैं सांसद राकेश सिंह जी, तरुण भनोट के खिलाफ सांसद को उतारना क्या ये सही है, क्या लगता है आपको? नहीं, गलत है, हार जाएंगे चुनाव। हार जाएंगे? 5 सीट निकलेगी जबलपुर से। अच्छा। कांग्रेस की? कांग्रेस की निकलेगी 5 सीट। 5 सीट? हाँ। इस सीट से क्या लगता है, पश्चिमी जबलपुर क्योंकि सबसे प्रचलित सीट रही है, उत्तर मध्य पश्चिम? हाँ। ये तीनों सीट कांग्रेस की जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी जी। मतलब तरुण भनोट जी यहाँ से जीतेंगे इंशाल्लाह? बिल्कुल जरूर जीतेंगे। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो हम मजाक में बोल दिए थे, वो तो कांग्रेस के हैं। हम भी कांग्रेस के? अच्छा, आप भी कांग्रेस के? तो मतलब हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं? हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं जी जी। तो आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? जी, इस बार भी तरुण भनोट को देंगे? अरे रात को जाके प्रचार करते हैं भाई। अच्छा। यस। राकेश सिंह जी की कैसी छवि है? ठीक छवि नहीं,
उनकी ऊपर छवि, नीचे छवि नहीं, क्षेत्र में छवि नहीं है, क्षेत्र में छवि नहीं, ऊपर छवि है, ऊपर ही ऊपर। लेकिन जब 2017 का लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ तो तरुण भनोट जी जीत गए, लेकिन वही जब 2018 का लोकसभा का चुनाव होता है तो उनको उन्हीं के क्षेत्र से सांसदी की हरा दी जाती। देखिए वो सांसद के चुनाव अलग है, वही कह रहा हूँ कि आखिर क्षेत्र तो उन्हीं का था ना, क्षेत्र उन्हीं का था तो क्या हुआ, तरुण भनोट उस टाइम चुनाव नहीं लड़ा, तरुण भनोट तो उसके पहले चुनाव लड़ चुके थे है ना, तो तरुण भनोट जीते रहे। इसमें क्या है कि जो लोकसभा का जो चुनाव है तो जनता सोचती चलो कि अपन उसको जिता दें, बाकी ये क्षेत्रीय जो नेता है अपना कौन, तरुण भनोट, ये बहुत काम करवाते हैं अपनी जनता का। हाँ इस बार भी उन्हीं की लहर है। हाँ बिल्कुल 100% सांसद, चार बार के सांसद रहे, पांचवी बार में वो विधायक भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल 100%। अच्छा तो क्या कारण रहा कि बीजेपी को एक सांसद को उतारना पड़ा एक विधायक के खिलाफ? बीजेपी की ये सोच है कि मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बने, दिग्गजों को उतारो ताकि पूरी सीटें अपने पास आए, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये बात मतलब सांसद मात नहीं दे पाएंगे विधायक? नहीं दे पाएंगे। तरुण भैया ही जीतेंगे। मतलब किसकी लहर दिख रही है क्या भैया, किसकी लहर दिख रही है? यह अपने पश्चिम विधानसभा में भानोट की लहर दिख रही है। अच्छा जो जीतेगा भानोट साहब जीतेंगे अपने। बीजेपी की कोई लहर वहर नहीं? बीजेपी की लहर है मगर मध्य प्रदेश में, इधर पश्चिम विधानसभा में नहीं, पश्चिम जबलपुर में। हाँ तरुण भनोट कैसा कार्यकाल रहा? बहुत अच्छा, माई को हमारे स्वच्छ रखा, हम माई के भक्त हैं, माई को हमारे बिल्कुल साफ रखते हैं, पूरे शहर साफ है हमारा, पूरा पश्चिम विधानसभा। हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो आते हैं, कृपाल बांटते हैं, चले जाते हैं, इससे कुछ नहीं होता, विकास होता है तो क्या नहीं है, उन्हें किया है मगर दिखता नहीं है, अब लोगों को दिखता है जो त्रिपाल त्रिपाल और बैगा ही दिखती है लोगों की, छाता ठेले वालों की, यानी पूरा सहयोग करते हैं। अब अगर पहुँच जाए भैया ऐसी बात है तो वो नगम निगम। तरुण भनोट जी कितने हजार वोट? टक्कर मामला तो टक्कर का है मगर मान के चलो 5,000 वोटों जीतेंगे, क्योंकि लगातार दो बार से वही जीतते आ रहे हैं चुनाव, जो उनके विरोधी हैं प्रत्याशी हैं सांसद जी राकेश सिंह जी, तो वो भी लगातार 4 बार से सांसद हैं, तो इस बार क्या लगता है विधायक को सांसद टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे, उनका क्षेत्र है। विधायक को हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे, मैं बिल्कुल विधायक को नहीं हरा पाएंगे, सांसद जी आ रहेंगे। सांसद ने काम कुछ नहीं किया है, सांसद वो हैं मगर काम उनका कुछ नहीं दिखा हमें, बिल्कुल काम नहीं देखा, जब चुनाव आता है तो वो आते हैं नहीं तो नहीं। क्या कारण है कि यहाँ के प्रत्याशी को इस बार नया प्रत्याशी उतारा गया, बीजेपी ने नया प्रत्याशी उतारा? कोई चेहरा नहीं, बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं है जो उनके सामने भानोट जी के सामने खड़ा हो पाए, तरुण भनोट के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। कोई नहीं, बब्बू आए थे, बब्बू ने भी हाथ छोड़ दिया, अब उनको सांसद ही खड़ा करना पड़ा मोदी जी के। अच्छा मोदी जी की लहर है तो सांसद ही जीत जाएंगे, वरना सांसद जी का कोई वो नहीं। अच्छा मोदी जी की लहर से ही जीतेंगे, मतलब क्षेत्रीय काम उनका कोई काम नहीं? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, बिल्कुल संबंध नहीं, हमने तो देखा ही नहीं उनको गौरी क्षेत्र में आए, वो कभी कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। तरुण भनोट जी, तरुण भनोट हम दिखते ही रहते हैं, दिखते रहते, मतलब क्षेत्र की जनता का क्या रुझान? आप तो क्षेत्र की जनता ही क्या विचार है भानोट जी, बाकी लहर का जो विचार होगा वो अलग बात है। और स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्टेट में कमल खिल रहा है और पूरे देश में कमल, मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश। हाँ उससे खुश नहीं, तरुण भनोट जी से खुश हैं बिल्कुल, और मतलब बीजेपी को नहीं लाना चाहते? बिल्कुल, यहाँ पर काम ही नहीं है उनका, कोई चेहरा ही नहीं है, कोई कभी कुछ काम ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? हमारे क्षेत्र से कांग्रेस और मध्य प्रदेश में कमल जी, जी जी कमल, मौजूदा सरकार से खुश है? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल बहुत खुश है, मोदी जी हमारे वर्ल्ड फेमस है। मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, शिवराज के काम से खुश है? शिवराज के काम से खुश भी है, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे मगर महिलाओं के लिए बहुत कर रहे हैं। हाँ लड़की के लिए बहुत मेरा क्यों भैया पूछ रहा हूँ, आए के लिए बताएंगे जब नहीं पूछ सकते क्या? शेख रहीम, इस बार चुनाव है 17 तारीख को, किसे अब यही तो बात है, आप किसको बोल रहे हैं बुराई वाली? पिछले बार किसको दिया है? पिछली बार किसको दिया? अब हम देखिए जिसको देते हैं उसी को देंगे। आपके यहाँ से मौजूदा विधायक हैं तरुण भनोट जी? हाँ हाँ। और उनके खिलाफ बीजेपी ने सांसद को उतारा है, 4 बार तो सांसद रह चुके राकेश सिंह जी। अच्छा अच्छा, क्या लगता है इस बार कौन? 4 बार रह चुके तो अब उनको थोड़ी जिताएंगे, वो तो सांसद रह चुके हैं। हाँ तो सांसद के बाद विधायक का चुनाव, विधायक का टिकट उल्टा उल्टा ली हो रहा है, वही तो हम पूछ रहे हैं ना आपसे, आप किसको वोट देंगे? अब देखिए समझदारी की बात है, बात पूछिए मेरे, समझदारी की बात नहीं है, ये हम जनता से पूछ रहे हैं, जनता दो पक्ष में जा रही है ना, ये सब समझदारी की बात है। अब ऐसा देखिए
हम तो सबसे खुश हैं यार बड़े भाई। सिर्फ इतना है कि महंगाई बढ़ गई है ज़्यादा, समझ रहे, महंगाई से खुश नहीं है, महंगाई ज़बरदस्त बढ़ गई बात जी। मतलब मौजूदा सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, कहना चाहिए। भैया यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं, एक भाजपा के सांसद जी हैं जो चार बार के सांसद रह चुके हैं राकेश सिंह जी, और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं आपके तरुण भनोट जी जो कि दो बार के विधायक रह चुके हैं। तो इस बार क्या लगता है कौन चुनाव जीतेगा? अभी जो जीतते आया वही जीतेगा तरुण भनोट जी। मतलब कार्यकाल अच्छा रहा? हाँ अच्छा रहा। अच्छा, तो जो मौजूदा सरकार है हमारी मध्य प्रदेश में, अरे तो उससे खुश हैं? नहीं, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई एक बड़ा मुद्दा है या कुछ और मुद्दा है? अरे सब चीज मुद्दा है उसमें, जैसे कि रोजगार में, सभी चीज में है। तो कांग्रेस काम अच्छा कर पाएगी लगता है? अरे सरकार तो बनने के बाद पता चले, नहीं पा रही तो कहाँ से करेगी वो, ये बताइए। अब आप तो बनी थी, टांग पकड़ के खींच दिए। तरुण भनोट जी तो आपके मौजूदा विधायक है, उनका कार्यकाल? देखिए कार्यकाल उनका, अब उनकी सरकार बने है तो वो कार्यकाल सब उनका अच्छा है। तो अभी तक तो दो बार के विधायक वही रह चुके हैं ना? रह तो चुके। क्षेत्रीय कार्यकाल की बात, भाई सरकार तो नहीं बन पा रही, क्षेत्रीय कार्यकाल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यकाल सब सही है उनका, गलत नहीं। अच्छा जी, क्या नाम है? अजय पटेल। अजय पटेल, तो पटेल जी ये बताइए आपके यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 17 तारीख को वोटिंग पड़ने वाली है, इस बार क्या लगता है आपको कौन चुनाव जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी? क्यों बीजेपी? अच्छा शासन काल चल रहा है, शासन काल तो अच्छा चल रहा है, लेकिन सांसद जी भी अच्छे हैं। अच्छा हाँ, लेकिन सांसद जी जब अच्छे थे तो फिर तरुण भनोट जी दो बार से यहाँ चुनाव क्यों? दोबारा तो बब्बू के कारण जीते गए हैं। कौन बब्बू के कारण? हरेंद्र सिंह बब्बू, पर पुराने मंत्री। अच्छा, उनके कारण? उनका खुद का कुछ नहीं? नहीं, भाई कैंडिडेट खराब करेगा, खुद कार्यकाल कुछ भी नहीं है। देख तो रहे हो जी सब कार्यकाल, सबको बन के मिल गए जी, मिलिए तस्यम में कंप्लेंट करो, कुछ भी करो, सुनवाई नहीं। हाँ बोले, हम लोग अतिक्रमण वाले खुद बोलते, बोले वो शाम को फोन आ जाएगा, हमें ऐसी तैसी कर देंगे। स्टेट में तो लगातार आप ही की सरकार है ना? हाँ, तो फिर कहाँ की सरकार? नहीं बोलते, ऐसा नहीं होता ना, जहाँ विधायक रहता उनकी चलती है सरकार। जो मौजूदा सरकार है उससे खुश है? किससे? मौजूदा सरकार है, सरकार बदलाएंगे जब तो पता चलेगा फिर। अभी तो बीजेपी की सरकार है ना? सरकार से कहा, हमारे विधायक तो भनोट जी हैं। विधायक तो तरुण भनोट जी हैं। हाँ। वो तो अब बदलाव होगा, लेकिन अभी तक जो मौजूदा सरकार थी उसका कार्यकाल कैसा रहा? उससे बढ़िया कार्यकाल। अच्छा हाँ, और सांसद जी कभी क्षेत्र का दौरा करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? अच्छा। आते जाते रहते हैं। अभी तो हमने आप सब आए उनके पास। हाँ, एक विधानसभा दो ढाई सौ गाँव आते हैं, सब जगह आना जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो विपक्ष वाले देख बोले कहीं नहीं आते, कुछ नहीं किया। क्षेत्र की जनता बाहर के आदमी को स्वीकार करे? कहाँ का बाहर का आदमी? मोदी भी तो गुजरात में थे, बनारस से आके लड़े। नहीं तो क्षेत्रीय जो पार्टी अड्डी चुनाव लड़ता वो जे मायने नहीं रखता कि कौन बाहर का कौन का है। हमारे पार्षद जी रहते हैं यहाँ शक्ति नगर में, जो शंकरचरण के बाद से जीते। कहीं आपको ये नहीं लगता कि सांसद जी कमजोर पड़ जाएंगे? तरुण भनोट? बिल्कुल नहीं, कहीं कमजोर नहीं है, पार्टी का आदमी है। तरुण भनोट जी कमजोर? तरुण भनोट बिल्कुल बढ़िया आदमी। तरुण भनोट जी कमजोर नहीं है? नहीं नहीं, उतने पड़ेंगे, अच्छी टक्कर होगी, टक्कर देखने को मिलेगी। चलिए बहुत बहुत। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि लोगों की पसंद क्या है। अब ये तो जनता ही तय करेगी कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन सुधांशु तिवारी के साथ मैं शिवम कुशवाहा, द खबरदार न्यूज़, जबलपुर। धन्यवाद।